और मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, काउंटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों को जीतना शुरू हो गया। 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह यादव की हार जो हो चुकी है। बड़े अंतर से केपी सिंह यादव हारे हैं। मुरैना की दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत चुके हैं। बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। सबलगढ़ से बीजेपी की सरला रावत चुनाव जीत चुकी हैं। और इसके अलावा बात करें सुमावली विधानसभा की, तो यहां से एंदल सिंह कंसवाना चुनाव जीत चुके हैं। बड़े अंतर से वो चुनाव जीते हैं। अम्बाह विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र सखबार चुनाव जीते हैं। और जोरा से कांग्रेस के पंकज उपाध्याय चुनाव जीत चुके हैं। रुझानों के बाद अब ये सीधे नतीजे आने शुरू हो गए हैं। भिंड विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव जीत चुके हैं। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीता है। तकरीबन 20,000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। और अटेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार हम आपको एक एक सीट का ये रुझान नतीजे आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को उन्होंने हराया है। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार चुनाव जीत चुके हैं। और बता दें कि सतीश सिकरवार 15,586 वोटों से चुनाव जीते हैं। बड़ा अंतर है ये, लगातार दूसरी बार ये उनकी जीत है। और बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री माया सिंह को उन्होंने चुनाव हराया है। बीजेपी प्रत्याशी जौरा से कांग्रेस के पंकज उपाध्याय चुनाव जीते हैं और लगभग 34,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शिवपुरी विधानसभा की, तो यहां से 25 देवेंद्र जैन पत्ते वाले की जीत हुई है। यहां पर तकरीबन वो 35,000 वोटों से जीते हैं। ये बड़ी लीड है। मध्य प्रदेश में 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह की हार हुई है। केपी सिंह लगातार 6 बार विधायक रहे लेकिन इस बार वो हार चुके हैं। और मुरैना की दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत चुके हैं। सबलगढ़ से बीजेपी की सरला रावत भी चुनाव जीत चुकी हैं। ये रुझान के बाद सीधे नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमावली विधानसभा से एंदल सिंह कंसाना चुनाव जीत चुके हैं। अम्बाह विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र सखबार भी चुनाव जीत चुके हैं। और जोरा से कांग्रेस के पंकज उपाध्याय भी चुनाव जीत चुके हैं। और भिंड विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव जीत चुके हैं। और ग्वालियर विधानसभा से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी चुनाव जीत चुके हैं। लगभग 20,000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अटेर विधानसभा की, तो अटेर विधानसभा से कांग्रेस के हेमंत कटारे चुनाव जीत चुके हैं। और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को उन्होंने चुनाव हराया है। दिग्गज नेता माने जाते हैं अरविंद भदौरिया। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार चुनाव जीत चुके हैं। और सतीश सिकरवार 15,586 वोटों से चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर लगातार काउंटिंग जारी है। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री माया सिंह को उन्होंने करारी शिकस्त दी है।